गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 किया था। सभी बच्चे, होप करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से नोट्स बना चुके होंगे। जो सारे बच्चे जो घर में हैं और वो सोच रहे हैं कि हम स्कूल बंद है, तो वो ऐसा नहीं है। आप बच्चे वीडियो देखेंगे और ध्यान से अगर आप फोकस करके उस बात को समझेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान से क्वेश्चन को देखें और उसी को फॉलो करते हुए आगे कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो हम शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, हमको इसमें सिद्ध करना है। इसमें हम क्या करेंगे, क्या सिद्ध करना है, 3 sin inverse x इक्वल sin inverse 3x - 4x³। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, sin inverse 3x - 4x³। तो हम यहां पर रखेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो चलिए बच्चे ये देखें, ये हमको मालूम है कि sin 3 थीटा इक्वल 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा, ये होता है। तो हमने इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, sin 3 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 थीटा, और 3 थीटा इक्वल टू कितना है, sin inverse x। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, क्लियर। तो इसको बच्चे नोट कर ले, बहुत ही सिंपल है। इसको जरा ध्यान से देखें तो सब समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यह सेकंड क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा लेके चलेंगे, और आपका जो 4 cos³θ - 3 cos θ, ये कितना होता है, cos³θ के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू आप रख के आप इसको कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो इसका राइट हैंड साइड कितना है, cos inverse 4x³ - 3x। तो ये हो जाएगा cos inverse 4 cos³θ - 3 cos θ, और ये हो जाएगा आपका cos inverse cos³θ, और ये इक्वल करना हो गया 3 थीटा। और यहां पर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, cos inverse x, यहाँ हो जाएगा 3 cos inverse x। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो सिंपल है, पहला दूसरा सिमिलर है, उसमें साइन का यूज किया गया था, यहाँ पर कॉस फंक्शन का यूज किया गया, क्लियर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। हमको ये 10 इनवर्स की दो वैल्यू का सम दिखाना है, राइट हैंड साइड में 10 इनवर्स 2 के इक्वल। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों को हम ये वाला फार्मूला बता चुके हैं कि 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y इक्वल 10 इनवर्स x + y / 1 - xy, क्लियर। तो हम यहां पर देखते हैं कि 10 इनवर्स x के स्थान पर कितना है, 2/1, 2/11 प्लस 10 इनवर्स y इक्वल 7/24। तो हम यह फार्मूला यूज करेंगे तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24/1 -
2 बाय 11 इंटू 7 बाय 24। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपके राइट हैंड साइड में जो 1/2 है उसके इक्वल आएगा। क्लियर? तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन करके देखना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको बताएंगे, तो हम इसको चेक फिर से करा दूंगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमको एक कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको सरल रूप में लिखना है, सिंपल रूप में। तो हम इसका पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, आंसर फिफ्थ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स रूट 1 + x² -1 अपॉन एक्स। तो हम यहां पर मान लेते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो आप करके देखें कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट 1 + x के स्थान पे क्या रख दिया, टेन थीटा। कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट कितना होता है, सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। अब हम इसको और आगे हल करना पड़ेगा, तो यह इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा, कितना होता है 1 / cos थीटा। तो यहां आ जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा, टेन थीटा कितना होता है, साइन अपॉन कॉस। तो कॉस दोनों के डिनोमिनेटर हट जाएंगे और यहां बचेगा साइन थीटा। अब हम इसको और सिंपल करते हैं, तो यह हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्योंकि हमको एक फार्मूला आपको पता होगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 sin² θ/2। ठीक है, तो यहां माइनस का साइन होने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। तो यहां चूंकि 2 की जगह θ है, इसलिए यहां पर आएगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस थीटा बाई टू। यह 1 और -1 दोनों कैंसिल हो गए, टेन इनवर्स 2 sin² θ/2 2 sin θ/2 इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बाई टू एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, टेन इनवर्स 10 θ/2, और ये कितना हो जाएगा, θ/2। तो हमने यहां पर x को 10 θ माना था, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। यह वैल्यू आ जाएगी 1/2 टेन इनवर्स x। ये इसका क्वेश्चन का सरलतम रूप है। क्लियर? तो इसी तरह से सारे बच्चे बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनको भी करके देखें, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमको इन्फॉर्म करेंगे, तो हम उसको करा देंगे। थैंक यू।